Hey, good morning everyone, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज सारा काम सुबह सुबह ही कंप्लीट हो गया। वापस से मैं सुबह उठ गया हूँ एकदम टाइम पे और फ्रेश भी हो गया हूँ अभी। और मम्मी ने देख लो मेरा आज का ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया। पता है ये क्या है? ये है चूरा और दही। ये मुझे खाना पसंद है, लेकिन हर टाइम नहीं, एक एक टाइम होता है। जब हल्का हल्का मौसम ठंडा होता है तब मुझे ये खाना पसंद है। ये आप मुझे हर टाइम दोगे तब मजा नहीं आएगा। तो आज यही होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट। वैसे आर्यन का भी फोन आया था, तो आर्यन भी आज आने वाला है। अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और एक दो सामान भी ऑर्डर करना है वो भी कर लेते हैं, एक ही बार खाकर मिलते हैं। हाँ जी, तो देख लो अभी आर्यन भी आ गया है। और आज बाहर का वेदर वापस से थोड़ा बारिश बारिश जैसा हुआ है। कभी धूप आ रहा है, कभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है। क्या लगता है मम्मी, बारिश होगा? नहीं, अभी बारिश नहीं होगा। बारिश से तो अब डर ही लगने लगा है। साल में समझो हम लोग हर महीना ही बारिश देखे हैं। जिस दिन मैं आया था पुरी से, उस दिन तो आया था आर्यन मिलने के लिए, लेकिन काफी लेट हो गया था। ये भी फिर अपने घर ही निकल गया। वैसे आया तो मैं पूछा, बताओ क्या खाना है, क्योंकि इसको मोमोज बहुत पसंद है। बट ये मोमो ऑलरेडी कल खा चुके। कहाँ का मोमो खाया था? वो एक रेस्टोरेंट का अंकल आता है, बिंदास। बिंदास, अच्छा ठीक है। वहाँ का बोलता है वो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आसपास में ही है, मैं भी कभी नहीं खाया हूँ, इसीलिए मैं पूछा बताओ आज क्या खाओगे। तो बोल रहा है चाट टाइप का कुछ आइटम। चाट तो कुछ अब घर पे ऑर्डर कर नहीं सकते, बाहर ही जाना पड़ेगा, कहीं आसपास देखना पड़ेगा कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं। बट फिर भी एक बार ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और मम्मी से भी पूछा तो मम्मी को भी आज चाट ही खाना है। मम्मी के लिए चाट पुचका लेकर कोई आएगा ना तो मम्मी कभी मना नहीं करेगी, मम्मी को वो सब बहुत पसंद है। हाँ, मम्मी को पिज्जा पास्ता ये सब उतना पसंद नहीं आता है, चाउमीन वगैरह ये सब उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं देखता हूँ चाट मम्मी को पसंद आता है। तो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं बाहर जाकर, या फिर देखते हैं अगर कुछ अच्छा आ जाएगा तो घर पे ही ऑर्डर कर लेंगे। तो फाइनली मुझे एक जगह मिला है, नुक्कड़ बाइट्स। मैंने इस पे बहुत पहले एक वीडियो बनाया था नुक्कड़ बाइट्स पे। तो मैंने देखा वहाँ पे पुचका और चाट आइटम सब मिल रहा है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव पुचका मिल रहा है वहाँ पे। 80 रुपए का एक प्लेट पुचका है। पता नहीं इसमें कितना पीस रहेगा। यहाँ पे तो हम लोग 10 या फिर मैक्स टू मैक्स 20 रुपए वाला पुचका ही खाते हैं। 80 रुपए का पुचका देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। मैंने दो प्लेट मंगाया है, मतलब दोनों का 160, और साथ में समोसा चाट और भी एक चाट मंगवाया हूं मैं। तो जब आता है तब मैं आपको दिखाता हूं। पता नहीं वो लोग पैक करके भी कैसे देंगे। लास्ट टाइम तो काफी अच्छे तरीके से पैक करके दिए थे वो, होप कि इस बार भी ऐसा ही हो। और उनका जो पुचका और चाट है उनका टेस्ट कैसा है ये भी मैं भूल गया हूं, क्योंकि काफी पहले मैं इनके ऊपर वीडियो बनाया था। तो जब मेरा चाट और पुचका आता है तब मैं आपको दिखाता हूं। तो घर में बैठे हुए मैं चाट और पुचका दोनों ही ऑर्डर कर लिया हूं, जब वो आता है तब मैं आपको दिखाता हूं। हम लोग घर के बाहर, एक दिक्कत क्या है ना, एकदम घर के पास में ही डस्टबिन है, और हमेशा जो कचरा उठाने वाला जो ट्रक होता है ना वो लेकर जाते हैं। देख लो क्या हालत हो जाता है हमारे एरिया का। और अभी तो सोचो बारिश भी नहीं है, बारिश में सोचो आप पूरा पानी फिर ये कचरा। बस यही रीजन है ये जगह को छोड़ने का, और कोई रीजन नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि ये जो कचरा फेंकने वाला एरिया है ये यहाँ से कभी हट नहीं सकता, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। और दिन पर दिन और खराबी होता जाएगा, क्योंकि रोड देख लो, और आर्यन लोग जहाँ रहता है वहाँ का भी सेम हाल है ना तुम्हारे वहाँ भी। अभी पानी हटा की है? नहीं, अभी अंदर 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 में है अभी भी है ना। बताओ अभी तक पानी है, जबकि बारिश इतने दिन से हुआ भी नहीं है। ये एक दिक्कत है हमारे एरिया का, आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे हमारा चाट आने वाला है, वही वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो देख लो ये हमारा चाट तो आ गया है, देखना पड़ेगा कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, ये सारा पुचका है, छोटा छोटा डब्बा में बहुत कुछ है। चलो दिखाते हैं किसमें क्या है, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। अच्छा लग रहा है चाट वगैरह बनाकर ही दे दिए हैं क्या? हाँ लग तो रहा है चाट वगैरह बनाकर ही दे दिए हैं। आलू टिक्की चाट है क्या? हाँ आलू टिक्की चाट है ये। हाँ ये है समोसा चाट, मैंने आलू टिक्की चाट और समोसा चाट मंगाया था, और साथ ही ये पुचका। पुचका का खट्टा पानी, जलजीरा पानी लग रहा है ये तो। और ये क्या है? ये शायद मीठा पानी है। हाँ यहाँ पे दो टाइप का पानी मिलता है, मुझे अभी याद आ रहा है, एक खट्टा पानी देते हैं एक मीठा पानी देते हैं। और इसमें होगा आलू का चोखा। हाँ जी, तो देख लो ये आलू का चोखा, मेरे को लगता है सही है। शाम को अगर आपको घर में कुछ चटपटा खाने का मन हो और बाहर जाने का भी मन नहीं है तो ये घर पे मंगा लो। देख लो भाई साहब 160 रुपए का ये पुचका है, कम से कम 60-70 पुचका आराम से आ जाता है। और यहाँ पे टोटल कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, टोटल 20 या 22 पुचका है इसमें। अगर मैं नॉर्मली स्ट्रीट से खाता कहीं से, 160-70 रुपए में कम से कम 50-70 पुचका मिल जाता है। चलो कोई नहीं, ये सब चाट 120 रुपए करके है। ये सिंगाड़ा चाट भी 120 का, और ये आलू टिक्की चाट भी 100 या फिर 120 इसका भी प्राइस है। क्या खाना है, पुचका या चाट? पहले पुचका भी चाट भी। मम्मी को क्या खाना है? पहले पूछ का। चलो हमको कुछ भी दे देना, हमको तो ये आलू टिक्की चाट दे देना। आर्यन तो इनका सिंघाड़ा चाट खा रहा है, कैसा है आर्यन? मस्त। सिंघाड़ा चाट इनका बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा एक बाइट आर्यन से मैं लिया था, मस्त है। मम्मी बेचारी नहीं खा पाएगी, क्योंकि मम्मी को आज प्याज नहीं खाना था, इसलिए मम्मी बोल रही है कि आज ही के दिन तुमको मंगवाना था, कल मेरे लिए भी मंगवा देना। बोले ठीक है, कल भी आ जाएगा तुम्हारे लिए। आर्यन तो चाट खा रहा है, मैं देखता हूँ इनका पुचका कैसा है। मम्मी ऑलरेडी पुचका खा लिया, बता रही है कि इनका जो चोखा है बहुत ही झाल है, तो मैं मीठा पानी के साथ खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का पानी का ऑप्शन है, मीठा पानी और खट्टा पानी।
मीठा पानी के साथ तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो इसका चोखा बनाया है ना उसको बहुत ही तीखा कर दिया है, इसलिए मीठा पानी के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। खट्टा पानी के साथ भी अच्छा लगेगा जिसको तीखा खाने का ज्यादा शौक है। ये जो समोसा चाट है थोड़ा आप देखोगे तो इसमें वो क्या है ना अरे वड़ा टाइप का, जो वड़ा होता है ना उसको भी मिक्स करके डाला गया है, समोसा भी है, ढोकला भी दिख रहा है, सब कुछ एकदम मिक्स किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी देख लो अभी भी इतना कुछ है, मम्मी पुचका ही खा रही है, ये मीठा पानी है, ये साथ में खट्टा पानी, मैं देखता हूँ ये आलू टिक्की चाट कैसा है। आर्यन को इनका समोसा चाट तो बहुत अच्छा लगा, मैं एक बार देखता हूँ इनका ये आलू टिक्की चाट, मजा आ गया खाकर। ये सब जितना भी कुछ देख रहे हो ना ये मैंने ऑर्डर किया है नुक्कड़ बाइट से, थोड़ा सा मीठा मैं बोलूंगा ज्यादा हो गया है, मतलब मीठा तीखा हर कुछ को मिक्स कर दिया गया है। इवनिंग के टाइम इससे अच्छा स्नैक्स कुछ नहीं हो सकता। मम्मी पुचका कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन चोखा इसका बहुत झाल कर दिया है। चोखा इसका बहुत झाल है बेचारी मम्मी, आलू टिक्की चाट नहीं खा पाई क्योंकि इसमें प्याज आ गया, मैं भी मना करना भूल गया। कोई बात नहीं, कल मंगा लेना और क्या। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पुचका है ये चोखा तो बस झाल सा चोखा है, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये जो आलू टिक्की चाट है ना, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो देख रहे हो ना ये सब आलू टिक्की चाट है, एकदम तीखा सा खट्टा सा, मतलब मस्त लग रहा है। इसको मैंने क्या किया है ना पुचका के अंदर ही डाल दिया है, उसके बाद हल्का सा प्याज भी दे दिया हूं मैं, और ये जो खट्टा वाला पानी है इसमें एकदम थोड़ा सा पानी लेकर, चोखा सा अच्छा ये लग रहा पुचका के साथ, वही तो, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये झाल झाल सा लग रहा है मेरे को, मतलब ये अगर एक साथ खाओगे ना तो काफी मीठा मीठा सा लग रहा है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर का ये जो आलू टिक्की है पुचका में डालकर खाने से ना मजा आ रहा है खाकर। हाँ जी, तो चाट वगैरह खाने के बाद हम लोग वीडियोस वगैरह देख रहे थे काफी, और अभी ये मेरा कॉफी आ गया है, मम्मी अपना कॉफी ऑलरेडी बहुत पहले ही पी ली थी, मेरा रखा हुआ था थर्मस में तो अभी पी रहा हूँ मैं। आर्यन तो कॉफी पीता नहीं है, आर्यन को दूध चाहिए, कोल्ड ड्रिंक। वैसे दिन में पापाजी दा को मैसेज किया था, वो काम में थे अपना, तो मैं बोला था उनको फ्री होके कॉल करने के लिए, अभी वो काम से अपना फ्री हुए हैं तो हो सके तो बाहर थोड़ा निकलूंगा मैं, बाकी आर्यन भी अब अपने घर ही चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अभी अंधेरा हो गया, ठंडा भी आ गया ना तो अब जल्दी अंधेरा होगा। वैसे एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लोग का बहुत जल्द बाहर जाने का प्लान हो रहा है, वो मैं आर्यन के ऊपर छोड़ के रखा हूँ। बताओ आर्यन तुमको किस टाइप का जगह जाने का ज्यादा मन है, पहाड़ समुद्र? पहाड़ पहाड़ भाई, समुद्र बोलने ही नहीं दिया तो पहाड़, क्यों क्यों पहाड़ जाना चाहता है मेरे को पता है, मोमो के लिए, इसको पहाड़ में मोमो चाहिए। तो आप लोग रिकमेंड करना हम लोग कहाँ जा सकते थे, दार्जिलिंग तो हम लोग गए हैं, सिक्किम मैं गया हूँ, ये लोग नहीं गए, तो सिक्किम एक हो सकता है, दूसरा हो सकता है मनाली, मनाली तो मैं अभी गया था हाल फिलहाल। मेरा प्लान है श्रीनगर जाने का, लेकिन श्रीनगर में उतना मोमो वगैरह मिलता है कि नहीं ये भी नहीं पता, तो अभी प्लान चल रहा है। देखो जब भी पूरा प्रॉपर टिकट वगैरह हमारा बन जाएगा तब आपको पता चली जाएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, कॉफी पी के निकलता हूँ, फिर एक ही बार बाहर से या फिर घर आकर ये वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ बड़ा बाजार में, और यहाँ पे लेना है पापाजी को लाइट। पापाजी इसी मार्केट में कितने साल काम किया? 10 साल ना, इसी मार्केट में काम करता था पापा इधर। मुझे भी एक काम था, मुझे वो एलेक्सा का पता करना था, रूम में सेट करवाना है, क्या हो सकता है क्या नहीं। पहले भी यहीं पे सैंडविच खाते थे क्या? अभी आपके पुराने कस्टमर है क्या? मुंह से बता दीजिए कितना पुराना। 6 साल हो गया। बाप रे बाप, पहले यही काम करते थे। हाँ हाँ पता है, ये 30 रुपए का सैंडविच है और अंदर देख लो काफी कुछ है भाई साहब, बहुत कुछ भरा हुआ है अंदर। हम लोगों ने मेयोनीज मना कर दिया, नहीं तो मेयोनीज भी देते हैं ये भाई साहब। ये तो अंदर पूरा लाइट मार्केट है, अगर आपको अपने लिए लाइट वगैरह लेना है तो आप इधर आ सकते हो। ये जगह का नाम है एजरा स्ट्रीट, दिवाली तो इधर हो रहा है, पूरा लाइट ही लाइट, बच्चा पटाखा भी मिल रहा है अंदर, बहुत सारा ऑप्शन है लाइट का, अलग अलग टाइप का लाइट दिख रहा है यहाँ पे। तो दिवाली के लिए कुछ तो शॉपिंग करना ही होगा यहाँ से। प्लैनेट आ गए हम लोग, लाइट लेने का सोचे थे लेकिन पापाजी का जो जान पहचान वाला दुकान है वो बंद हो गया था, तो फिलहाल यहाँ पे चाउमीन रोल खाने आ गए हैं। पापाजी को रोल खाना था, मेरे को चाउमीन, मेरा चाउमीन अभी बन रहा है। और ये वही दुकान है जहाँ पे मैं एक बार बताया था दुर्गा पूजा का शॉपिंग वगैरह करके हम लोग यहीं पे खाने आते थे, तो ये वही दुकान है, चौमिन एंड रोल अभी भी। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं घर आया और वो जो आप लोगों ने देखा लास्ट हम लोगों ने जो रोल खाया, वो रोल खाने के बाद हम लोगों ने वो एक प्लेट चौमिन लिया, वो स्ट्रीट का चौमिन, मतलब मजा आ जाता है खाकर। फिर उसके बाद ऐसे ही मार्केट वगैरह घूम रहे थे कहीं कुछ अच्छा लाइट वगैरह दिख जाए। वैसे जब घर आ रहा था तो मम्मी से फोन करके पूछा ये कुछ खाना है कि नहीं, तो वही मम्मी को पुलाव या फिर पनीर का कुछ आइटम खाना था, तो ये गुप्ता से मैं लेकर आ गया हूँ, गुप्ता से पैक करवा के। ये मम्मी का पुलाव साथ में पनीर, तो मम्मी का यही होने वाला आज का डिनर। मम्मी बोल रहे थे खाना खाने के बाद मेरा कॉफी बना देना बस, मम्मी जो थर्मस में कॉफी बना के रख देती है ना तो वो काफी अच्छा लगता है, जब भी नींद आता है थोड़ा थोड़ा कॉफी पी लेता हूँ, नींद एकदम से भाग जाता है। कोई नहीं, अब मैं ये वाले वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।